गाइस कोई बहुत बड़ा काम नहीं है वीपन ग्लोरी लोकेशन चेंज करना। लोकेशन चेंज करने के लिए आपको लोगों को क्या करना रहेगा, आप लोगों को तो सबसे पहले वीडियो को एंड तक देखना है बिना स्किप किए। आप लोगों को बहुत कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ, कैसे चेंज करना है, आपको टाइटल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा और किस टाइम आप लोगों को चेंज करना है। तो भाई फटाफट से वीडियो को लाइक कर लो। मुझे पता है कि आप लोग वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक नहीं करते हो, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर लो और बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Oh, crazy. Don't mind if I do. सो हे गाइज वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। तो कैसे हो आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया ही होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहना। तो भाई आप लोगों को सभी को ही पता होगा कि गैरीना के सस्ते नशे कितने ज्यादा हैं। उन्हीं सस्ते नशों में से एक ये भी नशा है कि भाई बहुत सारे बंदों का स्टेट डिवीज़न गैरीना ने ऑटोमेटिकली सेट कर दिया है, वो भी रॉन्ग, मतलब गलत डिवीज़न सेट कर दिया है और उनको चेंज करना है। लेकिन वो काफ़ी सारे बंदे जो हैं चेंज नहीं कर पा रहे हैं और बहुत सारे बंदे ऐसे जिनको टाइटल टैग नहीं मिल पा रहा है उसकी वजह से चेंज करना चाहते हैं। तो जो भी बंदा अपनी लोकेशन चेंज करना चाहता है, अपना स्टेट चेंज करना चाहता है, वो लास्ट तक वीडियो पे बना रहे, एकदम फुल डिटेल में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे क्या करना है आप लोगों को। और भाई बंदों की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो है कि अपडेट के बाद से गाइस डिवीज़न का ऑप्शन भी नहीं आता इसमें। तो डिवीज़न का ऑप्शन कैसे लाना है और कैसे फिर लोकेशन चेंज करना है वो सब भी मैं आपको बताने वाला हूँ। बस आप लोगों को वीडियो को एंड तक देखना है बिना स्किप किए। अगर आप लोग स्किप करते हो तो फिर आप लोगों को कमेंट में पूछना पड़ेगा, तो इससे अच्छा बिना स्किप के वीडियो ही देख लो। और भाई काफ़ी सारे बंदे ये भी पूछ रहे हैं कि क्या लोकेशन चेंज करने से आईडी बैन होगी। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं खुद की आईडी चेंज किए हुए हूँ, मेरी आईडी बैन नहीं हुई। उसके बाद मैंने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड की है और उसके बाद मैंने अपने एक दोस्त की भी आईडी को चेंज कर रखा है उसकी लोकेशन, और अपने भाई की आईडी की भी लोकेशन चेंज कर रखी है। मैंने 4-5 आईडियों की लोकेशन चेंज कर रखी है, अभी तक किसी भी आईडी पे वार्निंग तक नहीं आई, 24 घंटे के लिए भी बैन नहीं हुई है। तो भाइयों चलो सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रॉब्लम दिखा देता हूँ कि क्या प्रॉब्लम आ रही है अपडेट के बाद से, कैसी दिक्कत है। कितने बंदों ने तो अभी तक विजिट नहीं किया होगा, बस चेंज करने के लिए यूट्यूब पर वीडियो देखने आ गए हैं और भाई जब वो चेंज करने जाएंगे तो उनको ये वाली प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो भाई चलो सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रॉब्लम दिखा देता हूँ और उसके बाद ये भी दिखा देता हूँ कि उसको उस प्रॉब्लम को रिमूव कैसे करना है, उसको हटाना कैसे, ताकि आप लोग अपना डिवीज़न चेंज कर सको। सबसे पहले आप लोगों को लीडर बोर्ड में जाना है, वीपन ग्लोरी में जाना है, उसके बाद लोकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे डिवीज़न का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप लोगों को क्या करना है, इसको सही करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा। इसको सही करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले आ जाना है अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। तो गाइस होम स्क्रीन पर आने के बाद आप लोगों को अपना प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आप लोगों को सर्च बार खोलना है। सर्च बार खोलने के बाद आप लोगों को उसमें सर्च करना है INDIA VPN, इंडिया VPN आप लोगों को इसमें सर्च करना है। इंडिया VPN सर्च करने के बाद आप लोगों को ये वाला VPN ओपन कर लेना है। इसमें 19,000 रिव्यू है और 5,00,000 डाउनलोडर है इसके, और इसको आप लोग 18-19 MB का होगा या 8-10 MB का होगा, आप लोगों को इसको डाउनलोड कर लेना है। मैंने इसको डाउनलोड कर रखा है। इसको डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को इस ऐप को ढूंढना है और इस ऐप को ढूंढने के बाद आप लोगों को इस ऐप को ओपन करना है। तो मिल नहीं रहा किधर गया, तो मैं सबसे पहले इस ऐप को ओपन कर लेता हूँ। इस ऐप को ओपन करने के बाद आप लोग ध्यान से देखना, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आप लोगों को भी करना है। इस ऐप को ओपन करने के बाद ऐड को कट कर देना है, उसके बाद लोकेशन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी लोकेशन देखने को मिलेगी, आउट ऑफ इंडिया लोकेशन भी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप लोगों को कोई सा भी एक लोकेशन सिलेक्ट नहीं करना है। आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर आप लोग इंदौर से नहीं हो तो आप लोगों को इंदौर वाला लोकेशन सेट कर लेना है। और आप लोगों को दूसरी चीज़ बता दूं कि आप लोग अगर मुंबई से हो तो मुंबई का लोकेशन नहीं सेट करना है, आप जहां के हो वहां का लोकेशन नहीं सेट करना है। और यहां पे आने के बाद आप लोगों को एक्टिव कर देना है। और भाइयों मैं आप लोगों को अभी दूसरी कंट्री के भी कुछ बंदे उनके लिए भी कुछ बताने वाला हूँ। उसके बाद आप लोगों को इसको लॉक कर देना, फिर उसके बाद आप लोगों को अपना फ्री फायर को ओपन करना है।
तो भाई जब तक फ्री फायर ओपन हो रहा है बांग्लादेश और पाकिस्तानी और नेपाली प्लेयर्स के लिए, मैं बता दूं कि उन लोगों को अपने कंट्री का VPN डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद जैसे मान लो इस्लामाबाद का अगर कोई है तो उसको इस्लामाबाद का लोकेशन नहीं सेट करना है, किस कहीं और का लोकेशन लगा लेना है। फिर उसके बाद वो लोग भी सेम इंडिया वाले प्रोसेस में कर लेंगे, उन लोगों का भी चेंज हो जाएगा चाहे वो किसी भी कंट्री से हो। तो भाई आप लोगों को गेम ओपन करना है, जैसे ही गेम ओपन हो जाए आप लोगों को थोड़ा बहुत यूं ही गेम को छोड़ देना है 10 से 15 सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए गेम को छोड़ देना है। और जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आप लोगों को सेम वैसा वैसा ही करना है, लेकिन यहाँ पे वीडियो रोक के मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। तो भाइयों ये बातें जो है ये बहुत ज़रूरी बातें, अगर इसको कोई स्किप कर देता है तो शायद उसका कुछ ना हो पाए। तो भाइयों आपको लोकेशन किस दिन चेंज करना है, लोकेशन चेंज करने का टाइम क्या होगा, और लोकेशन चेंज करने के बाद गेम कब ओपन करना है, और लोकेशन चेंज करने के बाद आप लोगों को टाइटल कब मिलेगा और किस दिन मिलेगा। तो भाइयों आप लोगों को लोकेशन चेंज करने के लिए संडे तक का वेट कर लेना है। तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज संडे और आज ही अपलोड करूँगा, तो जो लोग आज वीडियो देखेंगे वो आज ही चेंज करेंगे। तो भाइयों आप लोगों को लोकेशन चेंज करने के लिए संडे तक का वेट करना है, और आप लोगों को संडे 11 बजे रात में आप लोगों को गेम ओपन करना है। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को वैसे वैसे ही करना है, आप लोगों को 11 बजे रात में लोकेशन चेंज करनी है, उसके बाद आप लोगों को गेम बंद करके रख देना है, और अगले दिन सुबह में 6 बजे आप लोगों को गेम ओपन करना है। ये मैं इसलिए आप लोगों को 2-3 बार बताया हूँ ताकि आप लोगों में से बहुत सारे बंदे कमेंट करते हैं भाई सुबह में कितने बजे ओपन करना है, तो सुबह में 6 बजे ओपन करना है और रात में संडे के दिन 11 बजे लोकेशन चेंज करके गेम बंद करना है, और मंडे के दिन आप लोगों को सुबह में 6 बजे गेम ओपन करना है, मतलब 6 बजे या 6 बजे के बाद कभी भी आप ओपन कर सकते हो। और भाई आप लोग स्टेट चेंज करोगे तो स्टेट चेंज करने के बाद आप लोग टॉप 100 में किसी न किसी गन में रहोगे, जिस भी जगह की लोकेशन रहेगी अगर वहाँ पे आप टॉप 100 में कहीं पे रहोगे तो आप लोगों को उस दिन आप लोगों को टाइटल बैज नहीं मिलेगा, अगले मंडे को आप लोगों को टाइटल बैज मिलेगा। तो आप लोगों को 1 वीक तक का पूरा वेट करना पड़ेगा। तो गाइस आप लोगों का गेम जब लोड हो जाए तो आप लोगों को सिंपल सा कॉर्नर में क्लिक करना है, लीडर बोर्ड पे क्लिक करना है, उसके बाद वीपन ग्लोरी लीडर बोर्ड पे आप लोगों को क्लिक करना है। वीपन ग्लोरी लीडर बोर्ड पे आप लोगों को क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे एक लोकेशन का आइकन दिख जाएगा, वहां पे आप लोगों का डिवीजन ओपन हो जाएगा ऐसा करने के बाद, और यहाँ पे आप लोगों को लोकेशन चेंज करने का भी ऑप्शन आएगा। तो आप लोग अपना डिवीजन पे क्लिक करना, और जो सभी स्टेट आप लोगों को पसंद हो, जो भी स्टेट आप लोगों को अच्छा लगता हो या जिस स्टेट के आप लोग हो वो स्टेट आप लोग सिलेक्ट करके कंफर्म कर देना। आप लोगों का अगली सुबह में चेंज हो जाएगा, आप लोग जब सुबह सो के उठोगे 6 बजे या उसके बाद ओपन करोगे तो आप लोगों को चेंज मिलेगा। और भाइयों एक सबसे ज़रूरी बात जो है वो ये बात है कि आप लोग वीडियो को लाइक मत करना, कमेंट मत करना, आज आप लोग चेंज करना, और अगर चेंज हो जाए तो अगली सुबह उठना, और उठने के बाद आप लोग मेरा वीडियो ढूंढना, वीडियो ढूंढ के आप लोग वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।